मुझे अपनी फिक्र कहां, मुझे तो फिक्र आपकी है। बिहार सरकार का यही मूल मंत्र है। एक बानगी देखिए, जब देश चिंतित था कि आखिर प्रदेश से बाहर रह रहे कामगार और छात्र को कैसे अपने राज्य लाया जाए, तब बिहार ने एक बार फिर देश को राह दिखाई और केंद्र सरकार को सलाह दी कि बाहर फंसे लोगों के लिए रेलवे की मदद ली जाए। आज उसी का परिणाम है कि देश के हर राज्यों के लोग आराम से अपने घर लौट रहे हैं। हम सबसे पहले केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो हम लोगों का सुझाव था कि रेलगाड़ी के माध्यम से ही हमारे जो प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं, बिहार के रहने वाले लोग वहाँ चाहे छात्र हों या मजदूर हों या कोई पर्यटक हो या कोई भी हो, तो ट्रेन से ही आने की सुविधा उनके लिए बेहतर होगी, ये व्यवस्था कर दी गई और पिछले 2 दिनों से ये सिलसिला प्रारंभ भी हो गया। हमारी जिम्मेदारी की यह इतिश्री नहीं है, हमने आगे भी आपके समुचित ख्याल का बीड़ा उठाया है। किस तरह से आएंगे और कौन लोग आएंगे इसके बारे में केंद्र सरकार ने जो आप जस्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत उनका जो गाइडलाइन जारी होता है, उस गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे अधिकारियों ने दे दी। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो जो लोग भी आएंगे यहाँ, उनके लिए जिस स्टेशन पर रेल गाड़ी आएगी वहाँ से जो जहाँ के निवासी हैं उनके प्रखंड मुख्यालय में ले जाया जाएगा, यहाँ पूरी जांच करके और प्रखंड मुख्यालय में उनके लिए पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतजाम किया गया, वहाँ उनको 21 दिन तक रहना है और 21 दिन तक रहने के बाद जब वो निकलेंगे तो उस समय उनको जहाँ फंसे हुए थे जिस राज्य में, वहाँ से यहाँ आने में जितना भी पैसा लगा, रेल का भाड़ा या अन्य प्रकार से उनको पैसा लगा, वो और हम लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में सब तरह का इंतजाम किए, उनके रहने का, उनके भोजन का, आवासन का, उनके चिकित्सा का, सब कुछ देखने का। एक बार फिर दूर दराज से अपने लोग आए जिनके लिए अखियां तरस रही थी। सरकार ने भी बड़े आदर के साथ उनकी खैर मकदम की, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए। आज यहाँ दानापुर स्टेशन पर 2 ट्रेन आने वाली है। एक ट्रेन आ चुकी है जो कि एर्नाकुलम से आई हुई थी और दूसरी तिरूर डिस्ट्रिक्ट से आने वाली है। और इस ट्रेन में 1167 और 1143 पैसेंजर्स इसमें थे और प्रत्येक बोगी से एक एक करके क्रमानुसार यात्री उतरते हैं और उनकी जांच करा करके और उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हुए उनको बस में भेजा जाता है और साथ में बस में उनको भोजन और पानी की भी व्यवस्था की गई है और सभी यहाँ से यात्रीगण जो हैं यहाँ से प्रस्थान करके अपने जिलों में जाएंगे जहाँ पर वो 21 दिनों के लिए क्वारंटीन में, ब्लॉक क्वारंटीन में रहेंगे। और हाँ, तारीफ करनी होगी उन प्रवासी मजदूरों की जिन्होंने भी बड़े अनुशासन के साथ प्रशासन का साथ देते हुए अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। घर में माँ बाप परिवार सब परेशान थे, वो अब बेटे के लिए परेशान थे परिवार, कोई पत्नी के लिए, तो इसीलिए हम लोग भी घर जाना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की इतना धन्यवाद करूंगा कि वो हम लोगों को बुलाया, अच्छी बात है, उसके लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूँ नीतीश कुमार का। घर आने के लिए आने के बाद मैं बहुत खुश है, सरकार को बहुत अच्छा काम किया, हम लोग घर लेके आया कि हम लोग वहाँ हम लोग बहुत परेशान थे, अपना घर में रहेंगे, अपना माँ बाप के साथ रहेंगे, अच्छा रहेंगे। हम लोग नीतीश सरकार बहुत अच्छा है, हम लोग के लिए बहुत सोचा, बहुत अच्छा किया, इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। हम लोग भी इसके साथ हैं, हर दम रहेंगे, 24 घंटा रहेंगे। वो नीतीश कुमार जिंदाबाद। कोशिशें जारी हैं और हिम्मत बरकरार है, बस कुछ कदम आप चले, कुछ कदम हम चले, फासला बनाकर ही सही। यकीन मानिए एक दिन ये घनघोर घटा छट जाएगी और फिर बिहार में बहार होगा, हमारा आपका सपना साकार होगा। बस सजग रहिए, सतर्क रहिए, कोरोना हारेगा, बिहार जीतेगा। सब लोगों से मेरी आग्रह करेंगे कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनको प्रेरित करिएगा और जो क्वारंटाइन सेंटर है उस पर रहें, ये सब के लिए उपयोगी है। और जो भी लॉकडाउन लागू किया गया है तो हम बिहार के लोगों को इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं कि हमारे बिहारवासी
अधिकांश इक्का दुक्का कोई इधर उधर करता होगा, लेकिन अधिकांश लोग, सब लोग नियमों का पालन करते हैं। और वही कारण है कि बिहार को उस तरह से परेशानी नहीं, जो बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति के चलते कुछ लोगों को हो गया, जो कि धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ में जो यहाँ के लोगों में जो जागृति है उसके कारण कम से कम लोगों पर असर पड़ा है। और इस प्रकार से हम लोग जो ये जो कोरोना वायरस है उससे उस पर कामयाबी हासिल करेंगे।